दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बैक टू कॉलेज पर। आज हम करेंगे दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में, जिन संस्थाओं से जुड़े थे, जिन पत्रिकाओं का उन्होंने संपादन किया, जो भी संस्थाएं इन्होंने नई बनाई या जो भी इन्होंने कार्य किए, जो भी इनकी लाइफ के इंपॉर्टेंट जो भी मूवमेंट हैं, वो हम सब इस वीडियो के अंदर करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए दोस्तों, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों, शुरुआत करने से पहले मैं अपना इंट्रो देता हूँ। मैं हूँ दोस्तों मोहन और मैं हूँ दो बार UGC नेट। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। डॉक्टर जो भीमराव अंबेडकर थे दोस्तों, इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 14 अप्रैल 1891 में इंदौर के अंदर, जो पड़ता है महाराष्ट्र के अंदर, ये यहाँ गलत दिया गया है। और महू छावनी में महार जाति इनकी थी और ये महाराष्ट्र को महाराष्ट्र की हिंदू जाति व्यवस्था के अनुसार ये अछूत जाति मानी जाती है। जो भी हमारे यानी कि शास्त्र वगैरह मानते हैं कि ये अछूत जाति है, तो ये सब इसमें दिया गया इनकी लाइफ के बारे में। उनके बचपन का नाम जो था भीम सकपाल था, ये इम्पोर्टेंट है कि इनके बचपन का नाम जो था भीम सकपाल था। उनके पैतृक गांव का नाम अंबावड़े महाराष्ट्र था। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, जो भीमराव अंबेडकर का नाम पड़ता है अंबावड़े महाराष्ट्र के नाम पर, इनका नाम अंबेडकर पड़ता है, ये किसी को भी नहीं पता होगा जो भी इनके फॉलोअर हैं मोस्टली आज। और उनके पिता का जो नाम है रामजी मालोजी अंबावाड़ेकर तथा माता का नाम भीमाबाई था। और दोस्तों इनके उपनाम इम्पोर्टेंट है, आधुनिक भारत का मनु इनको बोलते हैं, संविधान के पितामह इनको बोलते हैं, भारतीय संविधान के शिल्पकार, दलितों के मसीहा, बाबा साहेब इनका जो आजकल काफ़ी नाम फेमस हो रहा है, तो बाबा साहेब इनका नाम है एक इम्पोर्टेंट। तो जैसे कि इनकी शिक्षा को, अगर हम इनकी शिक्षा की बात करते हैं, तो ये मेन हम बातें करेंगे यहाँ पे कि 1913 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में कोलंबिया विश्वविद्यालय में इन्होंने प्रवेश लिया था और वहाँ से इन्होंने अर्थशास्त्र में MA और PhD की उपाधियाँ प्राप्त की थी दोस्तों। और PhD की इन्होंने जो उपाधि प्राप्त की है, उसके जो टॉपिक था इनका, द प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज़ उसका नाम है टॉपिक का, अगर आप इनके बारे में पढ़ेंगे तो। 1917 में ये भारत लौटे और भारतीय राजनीति के विचारक। सन 1923 में इन्होंने वकालत का, ये इम्पोर्टेंट है इनके बारे में, वकालत का पेशा अपना लिया और दलितों उद्धार को अपने जीवन का इन्होंने लक्ष्य बनाया। डॉक्टर अम्बेडकर ने साइमन कमीशन और लंदन में आयोजित 3 गोल में सम्मेलनों का इन्होंने भाग लिया, यानी कि मेन इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे कि ये साइमन जो भी तीनों गोल में कॉन्फ्रेंस हुई थी 1930-31 की, तो उनके अंदर तीनों में ये गए थे, डॉक्टर सुप्रू गए थे और ये गए थे, मेन जो दो नाम आते हैं। और उन्होंने संस्कृत को क्या है भारत की राजभाषा बनाने हेतु सितंबर 1949 में संविधान सभा में संशोधन प्रस्तुत किया, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और तत्कालीन अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू ने इनको अपने मंत्रिमंडल के अंदर विधि मंत्री, यानी कि इनको जो कानून मंत्री होता है वो इनको नियुक्त किया था। और भीमराव जी अम्बेडकर के संपूर्ण चिंतन का जो केंद्रीय विषय है वो भारत की समाज व्यवस्था है, इनका मेन विषय जो भी इन्होंने चिंतन किया तो उसका जो है मेन क्या है समाज है। अम्बेडकर का मत था कि कृषि क्षेत्र में खेती उसी को दी जाए, इनका मानना था कि खेती उसी को जो भूमि जोते के सिद्धांत को लागू किया जाना चाहिए। अछूतों का उद्धार, अम्बेडकर ने हिंदुओं में अछूत या अपरिचय माने जाने वाली जातियों को इन्होंने संगठित किया और 20 जुलाई 1924 को इन्होंने मुंबई के अंदर बहिष्कृत हितकारिणी सभा और 1930 के अंदर अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ यानी कि ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, और अम्बेडकर ने क्या है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936 में, और इसके बाद इन्होंने ऑल इंडियन शेड्यूल फेडरेशन 1942 में इन्होंने बनाई थी। और दोस्तों इनका टाइम अगर आप देखते हो तो सब में 6+6 है, यानी कि 24 और 6 30 30 और 6 36 और 6 42, तो इस तरीके से भी आप इनको याद रख सकते हो। और राजनीतिक इन्होंने दल बनाया था। अंबेडकर ने अपनी चर्चित जो बुक है इनकी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, इसके अंदर उन्होंने जाति प्रथा का उन्मूलन और 1936 के अंतर्गत हिंदू वर्ण व्यवस्था का विस्तृत विश्लेषण करने के बाद छुआछूत या अस्पृश्यता की प्रथा में निहित अन्याय पर प्रकाश डाला। और ब्रिटिश शासन के और ब्रिटिश शासकों ने अगस्त 1932 में जो मैकडोनल्ड सांप्रदायिक पंचाट जो लागू किया था, और हमें पता है कि ये लागू किया गया था 1932 में, और जो वो कॉन्फ्रेंस हुई थी 3 गोलमेज कॉन्फ्रेंस, वो इन्हीं को लेकर के हुई थी। बाद में इन्होंने अंग्रेज़ों ने अपने ही उससे ये लागू कर दिया था। और इसके द्वारा क्या हुआ था कि इसके अंदर के दलित जो थे उनको पृथक प्रतिनिधित्व की मांग को स्वीकार किया गया और पूना समझौता जो गांधी जी के साथ सितंबर 1932 में पूना पैक्ट पर उन्होंने हस्ताक्षर किए,
और इस एक्ट के द्वारा क्या हुआ, संयुक्त निर्वाचन की प्रणाली के अंतर्गत दलित वर्ग को, यानी कि इसके अंदर गांधी जी अड़ जाते हैं कि मैं दलितों को अलग प्रतिनिधित्व नहीं दूंगा, यानी कि अलग से इनको चुनाव लड़ने नहीं दूंगा, क्योंकि ये एक तरह से दलितों को हिंदुओं से अलग करने का इनका षड्यंत्र था अंग्रेजों का। तो गांधी जी इसके लिए यरवदा जेल के अंदर आमरण अनशन करते हैं और ये अंबेडकर बाद में मान जाते हैं, जिसमें क्या है, सीटों की संख्या बढ़ा दी जाती है। संयुक्त निर्वाचन की प्रणाली के अंतर्गत दलित वर्ग के लिए विधानसभाओं में स्थान आरक्षित किए गए, यानी पहले 48 थी संख्या, 78 थी, फिर 148 कर दी गई थी, यानी कि बढ़ा दिया गया था। तो इसमें पूना पैक्ट पिछड़े वर्गों के साथ प्रत्यक्ष रूप से संबंधित था, ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे दलित वर्ग की मुक्ति एवं उत्थान के लिए उन्होंने हिंदू समाज का, ये इनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट आया कि इनको हिंदू समाज का लिंकन एवं मार्टिन लूथरन को कहा जाता है। 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति का उन्होंने दाह संस्कार किया, ये भी डेट इम्पोर्टेंट है मनुस्मृति को लेकर के, और उसको उन्होंने जला दिया था, ये इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार मनुस्मृति ही वर्ण व्यवस्था की जड़ है, और इसी ग्रंथ में शूद्रों एवं नारी को शिक्षित शिक्षा से वंचित किया गया है। और डॉक्टर अम्बेडकर ने मुंबई में क्या किया था, अंत्यज समाज यानी अंत्यज संघ की स्थापना उन्होंने की थी, इम्पोर्टेंट है ये भी इनके बारे में। और महाड जिला जो कोलाबार महाराष्ट्र के अंदर है, उन्होंने अंत्यजों की स्थिति में सुधार लाने के लिए श्री एस के बोले ने मुंबई असेंबली में 4 अगस्त 1923 को एक प्रस्ताव रखा, जिसके अनुसार यह तय हुआ कि नदी तालाब कुओं और सार्वजनिक स्थलों का जो जल है उपलब्ध कराने वाले स्थानों और साथ ही विश्वविद्यालयों अस्पतालों आदि स्थान पर अंत्यजों के प्रवेश पर कोई प्रतिबंध ना हो, यानी कि एस के बोले ने मुंबई की असेंबली में ये प्रस्ताव लाया था, तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। और महाड़ की नगर पालिका एक प्रस्ताव पास पहले ही कर चुकी थी कि यह तालाब सार्वजनिक है और इसका जो है जल अस्पृश्यों के सभी के लिए यूज़ के लिए है, लेकिन कोई अछूत उस तालाब पर नहीं गया, यानी कि उन्होंने उपयोग नहीं किया। तो 19 मार्च 1927 को अंत्यजों का एक सम्मेलन बुलाया गया, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, डॉक्टर अंबेडकर करते हैं, और 7-8 हज़ार लोगों के जनसमूह ने जुलूस बनाकर वहाँ पर तालाब की ओर बढ़ते हैं और वहाँ पर सब ने वहाँ पर पानी पिया। तो इसको दोस्तों मीठा जल सत्याग्रह के नाम से ही बोला जाता है। और क्वेश्चन आया था एक बार, गांधी जी ने किस आंदोलन में भाग नहीं लिया, और ये एक ऑप्शन में दिया गया था, तो यही उसका आंसर था, क्योंकि 3 गांधी से रिलेटेड थे और एक अंबेडकर से रिलेटेड था, तो चीज़ें सारी ही कहीं ना कहीं घूम फिरा के आ जाती है पेपर के अंदर। और तालाब पर इन्होंने पानी पिया और तालाब का पानी पीकर इन्होंने अपना हक यहाँ पर साबित किया, और रूढ़िवादी हिंदुओं ने विरोध भी किया था और यह सफल भी हुआ। और नासिक के सत्याग्रह राम की काले पत्थर की एक मूर्ति विराजमान है, वहाँ पे नासिक के अंदर कोई मंदिर है, वहाँ पे राम के काले पत्थर की मूर्ति विराजमान है, और जिसको कालाराम मंदिर के नाम से विख्यात है, कालाराम मंदिर। और 2 मार्च 1930 को डॉक्टर अम्बेडकर ने दलितों के साथ कालाराम मंदिर में प्रवेश के अधिकार पाने के लिए आंदोलन प्रारंभ किया, और 9 अप्रैल को रामनवमी का ऑप्शन उत्सव था, तो इस दिन प्रतिवर्ष भगवान राम की रथ यात्रा वहाँ पर निकाली जाती थी। बुद्धिजीवी जो थे स्वर्ण हिंदुओं ने सत्याग्रहियों के साथ समझौता कर लिया था, यानी कि जो बुद्धिजीवी स्वर्ण हिंदू थे, जो समझदार थे हिंदू, उन्होंने इनके साथ समझौता कर लिया था, जो भी सत्याग्रही थे, कि आप भी मंदिर आ सकते हैं। लेकिन जो दूसरे हिंदू थे यानी कि रूढ़िवादी थे, उन्होंने क्या किया था, हमला कर दिया था इस जुलूस के ऊपर, और अंबेडकर भी इसमें शामिल हुए थे, यानी कि जुलूस में अंबेडकर भी थे, और अंबेडकर को यहाँ पर चोट आई थी काफ़ी, और घायल हुए। और 13 अक्टूबर 1935 तक यह चलता रहा। और जो हिंदू कोड बिल की बात करते हैं, कि हिंदू कोड बिल जो 5 फरवरी 1951 को अंबेडकर ने विधि मंत्री की हैसियत से संसद में हिंदू कोड बिल पेश किया, और यही बिल जो भी कट्टरपंथी यानी कि उनके लिए ये उन्होंने इसका विरोध किया, और पंडित नेहरू की उदासीनता के कारण यह पास नहीं हो सका। लेकिन क्योंकि उस टाइम पे सरकार थोड़ा डावाडोल हो गई थी, इस वजह से थोड़ा ये इन्होंने नेहरू भी सपोर्ट में नहीं आया इस चीज़ की, तो दो ही इसके सपोर्टर थे, नेहरू और अंबेडकर इस बिल के, और ये 1955 में फिर पास हो जाता है बहुमत के साथ, क्योंकि वहाँ पर पूरी बहुमत में सरकार आती है और अच्छे से इस बिल को पास किया जाता है, और ये हिंदू जैन बौद्ध जो भी हिंदुओं से निकले हुए उनके ऊपर लागू हुआ, मुस्लिम्स को छोड़ करके ये सब पर लागू हो गया था, ईसाइयों को छोड़ करके। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसके बारे में, अम्बेडकर के बारे में। 1955 के अंदर उन्होंने भारतीय बुद्ध महासभा की उन्होंने स्थापना की थी, ये इम्पोर्टेंट है। और 14 अक्टूबर 1956 को विजयदशमी के दिन उन्होंने नागपुर के अंदर
एक समारोह करके 5 लाख अनुयायियों के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था और 6 दिसंबर 1956 को उनका यानी कि उनका देहांत हो गया था। और भारत रत्न उनको मिलता है 14 अप्रैल 1990 के अंदर, और मरने के बाद इनको मिला था ये। इनकी रचनाएं देखिए जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और पेपर के अंदर आती ही आती हैं। अनटचेबल, हु आर दे एंड वाई दे बिकम अनटचेबल, ये इनकी इम्पोर्टेंट इनकी एक रचना है। द इमेंसिप ऑफ द अनटचेबल, ये भी इनकी रचना है इम्पोर्टेंट। हु वर शूद्रज, हाउ दे केम टू बी द फोर्थ वर्न इन टू द आर्यन सोसाइटी, यह पुस्तक जो है अंबेडकर ने महात्मा फूले को समर्पित की है। ये इनके बारे में काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, और यह जो समर्पित किया इन्होंने फूले को, महात्मा फूले को। व्हाट कांग्रेस एंड गांधी जी हैव डन टू द अनटचेबल, और इसके अंदर इन्होंने गांधी जी के बारे में लिखा है, क्योंकि ये गांधी जी को भी पूरी तरह से यानी कि जो सेवा जो ये कर रहे थे गांधी जी हरिजन संघ वगैरह बनाकर, उसके भी एक खिलाफ थे, विरोध में थे, क्योंकि आप इसके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ सकते हो। स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, द राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वुमेन, इसके अंदर इन्होंने हिस्ट्री शिक्षा के बारे में लिखा है। पाकिस्तान और पार्टीशन टू इंडिया, गांधी एंड गांधीज़म, ये इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों, गांधी एंड गांधीज़म। द प्रॉब्लम ऑफ द रुपी एंड इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन, ये इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर उन्होंने PhD की है। द गॉस्पल ऑफ महात्मा बुद्धा और बुद्धा एंड हिज धम्मा, और डॉक्टर अंबेडकर ने दोस्तों इनके जो भी साप्ताहिक पत्र और पाक्षिक पत्र प्रकाशित किए थे, ये इंपॉर्टेंट थे। और सेम क्वेश्चन जो है नेट के अंदर आया था, एक मूक नायक था उसके अंदर, बहिष्कृत भारत जनता, ये किसी किसी को ही पता होगा, किसी ने NTA नेट का पेपर करा होगा तो उसके अंदर इसके जिक्र आया है, समानता प्रबुद्ध भारत जो है इनके इम्पोर्टेंट इनके ये थे पत्र थे। तो दोस्तों जो इम्पोर्टेंट कथन होते हैं कई बार पेपर के अंदर आ जाते हैं, वो भी मैंने इसके अंदर शामिल किए हैं। तो इनके 6 कथन यहाँ पर मैं आपको अच्छे से करवाऊँगा। उन्होंने सबसे पहले एक ये बात बोली है कि किसी भी उत्पीड़ित समूह को अपने भीतर से नेतृत्व पैदा करना चाहिए, किसी अन्य समूह की सहानुभूति या नेतृत्व के सहारे उसे अपने उत्थान की आशा नहीं करनी चाहिए। तो इनकी ये फर्स्ट कोटेशन है। सेकंड देखिए, जब तक आप अपनी समाज व्यवस्था को नहीं बदलेंगे तब तक कोई प्रगति निष्फल होगी, कोई भी प्रगति निष्फल होगी। थर्ड देखिए, सामाजिक अधिकारों के बारे में मनु की संहिता निकृष्टतम है, सामाजिक अन्याय का अन्याय कोई भी उदाहरण मनु की तुलना में हल्का है, यानी कि मनु समृद्धि के ऊपर उन्होंने कटाक्ष किया है। फोर्थ देखिए, जो धर्म अपने अनुयायियों में भेदभाव करता है धर्म नहीं, धर्म व दास्ता में कोई संबंध नहीं। दोस्तों ऐसी आपको ये पूरे याद नहीं हो पाते, लेकिन आप ऐसा करना है इसमें से मेन वर्ड को कोट कर लेना, जैसे कि धर्म नहीं है अनुयायी, ये मेन वर्ड आप याद रख सकते हैं कि उसने ऐसे इन चीज़ों का जिक्र किया है, तो ही हम इन चीज़ों को अच्छे से याद कर पाते हैं। और जैसे इसके अंदर भी आप सहानुभूति एक वर्ड है इसको कोट कर सकते हैं, उत्पीड़ित समूह हैं, तो इस चीज़ को आप कोट करके भी याद रख सकते हो, एक एक वर्ड से भी आप पूरी कोटेशन पेपर में आप सही से समझ पाओगे कि किसकी है ये। और 5 देखिए, टूटे फूटे मकान की रंगाई पुताई करके उसकी दुर्दशा को छिपा तो सकते हैं, सुधार नहीं सकते, ऐसे हालात में उसे गिरा कर नया मकान बनाना ही उपयुक्त होगा। ये इन्होंने जाति व्यवस्था के ऊपर प्रहार किया था कि अंबेडकर के अनुसार अपरिष्टता की जड़ें हिंदू वर्ण व्यवस्था में नहीं था, इस कुप्रथा को निपटाने के लिए वर्ण व्यवस्था का अंत जरूरी है। तो ये अंबेडकर ने ऐसा कहा। जैसे यहाँ पे आप टूटे फूटे मकान ये वर्ड कोट कर सकते हो आप, और ये तो इनका काफ़ी फेमस है, और जो छोटे मोटे पेपर होते हैं हमारे उनके अंदर भी ये आता है कि संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है संविधान का हृदय एवं आत्मा है। यहाँ पे कटिंग है थोड़ी, ये आत्मा वर्ड आएगा, आत्मा है। तो ये थे दोस्तों अंबेडकर के बारे में मेन चीज़ें। नेक्स्ट वीडियो भी जब भी आएगी, जब इनके बारे में थोड़ा और मैं आपको डिटेल दूंगा या अलग अलग वीडियो मैं बनाता रहूंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो दोस्तों लाइक करना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, वंदे मातरम।